नमस्कार आप सभी संगीत प्रेमियों का मैं धनश्री देशपांडे तहे दिल से स्वागत करती हूँ, जो यहाँ देश विदेश से जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। जैसे आप सभी को मालूम है, हमारे भारत में बहुत से महान कलाकारों ने अपने अपने क्षेत्र में योगदान दिया है। इसके लिए हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। इन्हीं में से एक नाम है श्री राजेंद्र कृष्ण, इनका एक बहुत ही विनम्र और महान कलाकार जो गीतकार, कवि और स्क्रीन प्ले राइटर भी थे। आज भी हम उनके गीत सुनते हैं तो नए ही लगते हैं। वे अपने बचपन से ही पोएट्री की तरफ आकर्षित हुए थे। पूरब और पश्चिम के कई लेखकों को उन्होंने बचपन से ही पढ़ा था। लिखने की कला उनको ईश्वर की देन थी, जो समय के साथ बढ़ती ही चली गई। तो चलिए आज उन्हीं के गीत गाकर हम उन्हें ट्रिब्यूट दें, उन्हें याद करें, उन्हें ऑनर करें। आप सभी के लिए एक सरप्राइज है, बताऊं कौन सा? गीतकार कवि राजेंद्र कृष्ण जी, इनके सुपुत्र श्री राजेश दुग्गल सर यहाँ पर आए हैं और वो हम सभी के लिए आशीर्वचन देने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर श्री राजेश दुग्गल सर इनको आमंत्रित करती हूँ। धनश्री जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप राजेंद्र कृष्ण जी पर दो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जिनमें आपने अपने टैलेंटेड स्टूडेंट्स को सिखाकर उनके गाने गवाए हैं। आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड। आपके सारे स्टूडेंट्स को सुनकर बड़ी खुशी हुई और मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और वो सभी ध्यान रखें कि आप जैसे गुणी गुरु उनको मिला है। ये बात उनको मतलब से तब ध्यान आएगी जब आपके इंटरनेशनल शोज शुरू होंगे। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द प्रोग्राम। थैंक यू टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो। आपके स्टूडेंट्स ने भी बहुत मेहनत करी हुई है और आपकी मेहनत ने उनके गायकी में बहुत रंग लाई है। एंड आई होप कि सभी जो देखने वाले होंगे इस बात की उन्हें भी खुशी होगी कि ऐसे ऐसे नायाब कलाकार आप तैयार कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। आप सभी के सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो श्री राजेंद्र कृष्ण जी इनके सुंदर और मीठे गीत गाकर इस प्रोग्राम को खूबसूरत बना रहे हो। अब मैं यहाँ पर शशांक जी को बुलाती हूँ और उन्हें रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे एकेडमी के बारे में वो कुछ कहे। नमस्कार, मेरा नाम है शशांक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है द गोल्डन हिट्स ऑफ लेजेंडरी पोएट राजेंद्र कृष्ण। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज हम गीतकार राजेंद्र कृष्ण इनके गीतों की प्रस्तुति करने वाले हैं और इसके लिए हमारे अकादमी के सभी छात्र सज्ज है, तैयार है। हमारे अकादमी की स्थापना 2008 में हुई है, जिसके तहत संगीत के विभिन्न आयामों को हम लोग अपने छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। गायकी से जुड़ी बहुत सारी बारीकियां धनश्री जी अपने छात्रों को सिखाने में खुशी महसूस करती हैं। हम लोग शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, गज़ल गायकी, भक्ति संगीत, इसके साथ साथ हमारे दिल को लुभाने वाले फिल्म जगत के गीतों को भी सिखाने का प्रयास करते हैं। धनश्री जी को पिछले 15 वर्षों का संगीत और गायकी का अनुभव है और जिसके तहत आज कई सारे छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। धनश्री एक सफल और मंच कलाकार के रूप में सभी को परिचित है। कठिन से कठिन गीतों को सरल से सरल करने की उसकी जो तकनीक है, उस तकनीक से आज कई छात्र गीतों को बहुत सहजता से गाने में सफल हो रहे हैं। और इसके दो परिणाम होते हैं, एक तो छात्रों में सीखने की जिज्ञासा बढ़ती है और दूसरा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और संगीत को वो बहुत सहजता से सीखने का अनुभव ले रहे हैं। हम हमारे अकादमी में कंठ संगीत के साथ साथ हारमोनियम और बांसुरी का भी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा हम लोग
ऑडियो वीडियो और आर्टिस्ट कंसल्टेंसी में भी काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं या फिर अपकमिंग आर्टिस्ट होते हैं, कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अपनी संगीत में एक प्रोफेशनलिज्म लाना होता है, तो उसके लिए ऑडियो वीडियो के माध्यम से हम लोग उनको सलाह और कई सारी उपकरण वस्तुएं जैसे ऑडियो मिक्सर, माइक्रोफोन, स्पीकर्स, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें के बारे में हम लोग उनको अवगत कराते हैं और उन्हें मार्गदर्शन कराते हैं। इसके साथ साथ हम लोग आर्टिस्ट कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके तहत कलाकार को अपने कला को विकसित करने के लिए आज के तारीख में जो जो चीज़ें आवश्यक है, जैसे एक डिजिटल प्रमोशन हो गया, एक ब्रांडिंग हो गई, यूट्यूब चैनल प्रमोशन हो गया, फेसबुक प्रमोशन हो गया, तो इसके बारे में हम लोग उन्हें अवगत कराते हैं और उन्हें सजग करके उनके लिए एक उनकी खुद की एक स्ट्रेटेजी हम लोग डेवलप करके देते हैं, जिसके तहत एक सच्चा कलाकार अपनी कला के माध्यम से सफल होने का प्रयास कर सकता है और सफल होता है। तो ऐसे हमारे कई सारे कलाकार मित्र हैं जो आज इस माध्यम से काफ़ी सफल है। तो ये एक छोटा सा हमारा अकादमी का स्वरूप है और जैसे जैसे हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा तो आप लोग और भी खुशी का, आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे, मुझे यकीन है। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में जुड़ गए हो और कार्यक्रम को पसंद कर रहे हो। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ एंकर है अश्विन झा और सरबजीत कौर। इन दोनों के साथ साथ मैं भी आपके साथ ही हूँ। आज का ये कार्यक्रम जो है ये हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं राजेंद्र कृष्ण इनकी पोएट्री के लिए। इन्होंने जो शायरी लिखी है इस शायरी को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। संगीत का तो आनंद हम ले ही रहे हैं, साथ में अगर इनकी शायरी का भी हमें आनंद मिलने लगे तो कैसा रहेगा। शब्दों के पीछे की गहराई को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, शब्दों के पीछे के भावों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, उसके पीछे के दर्द को हम लोग महसूस करेंगे, शब्दों में छुपी हुई खुशी को हम लोग महसूस करेंगे। कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं। ये एक प्रार्थना गीत है। जहाँ बिनती से काम नहीं होता वहाँ प्रार्थना की जाती है, और प्रार्थना उस व्यक्ति के सामने की जाती है जो हमसे हज़ार गुना बेहतर है। अक्सर हम लोग प्रार्थना ईश्वर के सामने करते हैं क्योंकि वहाँ पर बिनती काम नहीं करती, वहाँ प्रार्थना करनी पड़ती है। तो ये जो गीत है, ओरिजिनल गीत है, इस गीत को फिल्म में एक बच्चा गा रहा है और वो भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा है, भगवान से बात कर रहा है। हमारे जीवन में हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि हमें कई सारे रिश्ते मिले हैं और हर एक रिश्ते के लिए एक अलग अलग व्यक्ति मिला है। जैसे कि हमारे जीवन में माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, कोई मित्र है, तो ऐसे कई सारे रिश्ते हमारे जीवन में हैं और हर रिश्ते के लिए अलग अलग व्यक्ति है। माँ ने कभी कुछ डांट दिया तो हम लोग पिता के साथ बात कर सकते हैं, पिता ने कभी हमको डांट दिया तो हम लोग अपने भाई के साथ बात कर सकते हैं, भाई ने अगर कुछ बोल दिया तो हम लोग हमारे दोस्त के साथ बात कर सकते हैं कि आज मुझे मेरे भाई ने डांट दिया। तो अलग अलग रिश्ते हैं और अलग अलग व्यक्ति भी है। क्या होगा ज़रा सोचिए कि आपके जीवन में ऐसा एक ही व्यक्ति है जो ये सभी रिश्ते निभा रहा है। वही व्यक्ति आपकी माँ भी है, वही व्यक्ति आपका पिता भी है, वही भाई भी है, वही आपका दोस्त भी है। आप लोग कहोगे कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन है। ऐसी स्थितियाँ दो ही लोगों के जीवन में आ सकती है। एक तो वो इंसान जिसके आध्यात्मिक विचारों की ऊँचाई उसने छू ली है, जो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, जिसने अपने आध्यात्मिक विचारों की प्रगति की है, और दूसरा ऐसा व्यक्ति जो अनाथ है, जिसका कोई नाथ नहीं, वो अनाथ है, जो निर्बल है,
और जिसकी उस ईश्वर के ऊपर एक श्रद्धा भी है, तो ऐसा व्यक्ति कह सकता है कि उसके जीवन में एक ही ऐसा व्यक्ति है जो उसका, जो उसकी माँ है, जो उसका पिता है, जो उसका भाई है, बहन है, दोस्त है, सखा है, सब कुछ मेरे लिए एक ही व्यक्ति है। और अगर हम लोग किसी से नाराज होते तो दूसरे व्यक्ति के साथ हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस गीत में, इस ओरिजिनल फिल्म में, ये बच्चा जिससे बात कर रहा है, जो उसके लिए सब कुछ है, वो एक भगवान की मूरत है, भगवान श्री कृष्ण की एक मूरत है जिससे वो बात कर रहा है, जिससे वो प्रार्थना कर रहा है कि मेरे जीवन में तुम ही सब कुछ हो मेरे लिए, तुम्हारे सिवा मेरा जीवन में दूसरा कोई भी सहारा नहीं है। आप उस परिस्थिति का आकलन कर सकते हो कि किस प्रकार उस बच्चे की मानसिक स्थिति होगी, फिर भी वो खुश है। बच्चों का मूल स्वभाव जो होता है वो खेलना और खिलना होता है। गरीब से गरीब बच्चा या अमीर से अमीर बच्चा भी खेल लेता है, लेकिन खिलने के लिए माँ और पिता की छत्र छाया ही होती है जिसमें वो बच्चा खिल सकता है, बड़ा हो सकता है। तो ये खिलने के लिए उसे माँ बाप का सहारा चाहिए। अनाथ बच्चों के लिए तो एक ही सहारा होता है, जहाँ वो पलते हैं, बड़े होते हैं, जहाँ वो आश्रित होते हैं, और जहाँ आश्रित किया जाता है उसे आश्रम कहा जाता है। एक ऐसे ही रामनगर के आश्रम में ये बच्चा पल रहा है, बड़ा हो रहा है, और ईश्वर के साथ बात भी कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि मेरी योग्यता ही क्या है, तुम्हारे चरणों की धूल के सिवा मेरी और कुछ योग्यता ही नहीं है। देखिए, हम सभी लोगों ने ईश्वर को तो नहीं देखा है, लेकिन ईश्वर की शक्ति का अनुभव हम में से काफी लोगों ने लिया है। कई बार सामान्य लोगों में हमें ईश्वर दिखाई पड़ता है, हमें जो सहायता करने आते हैं उन लोगों में हमें ईश्वर दिखता है, दानियों के दान में हमें ईश्वर दिखता है, सैनिकों के शौर्य में हमें ईश्वर दिखता है, रक्तदान करने वाले दानियों में हमें ईश्वर दिखता है, ऐसे कई सारे सामान्य लोगों में हमें ईश्वर की अनुभूति होती है। इसी ईश्वर को नमन करने वाला ये अगला हमारा गीत है। इस फिल्म के लिए ये गीत एकदम उचित है, परफेक्टली मैच है, मगर वास्तविक जीवन में इस गीत को गाने वाला कोई भी बच्चा अनाथ ना रहे, ऐसा मेरा कहना है। हम सभी के हृदय में ईश्वर वास करता है, आपके, हमारे हर प्राणी के हृदय में ईश्वर वास करता है। सिर्फ उस परमपिता परमात्मा के चरणों की धूल ना बनते हुए हमें उसके हृदय में अगर स्थान मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। भारत का नहीं, दुनिया का कोई भी बच्चा अनाथ ना बने, इसी आशा के साथ हम इस गीत को सुनते हैं। ईश्वर के पास दया की दृष्टि तो है ही, मगर इस गीत को सुनने के बाद आप जैसे दानी लोगों के मन में अगर कोई अनाथ आश्रम को दान देने की अगर इच्छा जागृत होती है तो इसका पूरा श्रेय जाता है इस गीत के संगीतकार चित्रगुप्त श्रीवास्तव जी और गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी इनको। आइए इस भाव से हम लोग इस गीत को सुनते हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। इस गीत को पेश कर रही है धनश्री जी।
अब मैं यहाँ पर मेरे स्टूडेंट अश्विन झा को इनवाइट करती हूँ जो यहाँ अमेरिका से जुड़े हैं, साथ में उनकी मातोश्री प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना गुरु नीना झा जी को भी आमंत्रित करती हूँ और उन्हें रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के लिए वो शुभकामना दें। नमस्कार, सभी दर्शकों का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। My name is Nina Jha. I'm a director of Shiva Dance Center and a head of Sangam Kala Group, North Carolina, USA. Today I want to thank a very important person of this show, a beautiful singer, Shrimati Dharanchiri Deshpande Ji, who have been working hard to organize this show along with her participants and team. And I also want to thank her husband, who has been working tirelessly with Dhananshiri Ji for the technical support and all other support. Shashank Ji, bahut bahut dhanyavad. And once again, Dhananshiri Ji, aapka bahut bahut dhanyavad, and I'm very honored to be in your show. I'm a guru,
and I have a 35 years of experience in my life, all hard ways and good ways both. And what I have brought for you is tips, tools, how to choose a teacher if you have a pen and pencil, note down. Find a teacher, not with how many, you know, followers she or he have, how famous she is. Find a teacher who's known for her teaching, who's giving a right art to a right student, and who's caring for her student and giving them overall development. It's not that she's very famous, she's a very good dancer, and when it comes to the teaching, it's only limited. And when they perform for themselves, not for their students. So find a teacher who's dedicated other than her performance to her students in any subject. Important to students, my tools, my suggestion. You must respect your parents and teachers at the same time who are next to your God. They are very important in your life. They should be very much respected. You should be knowing the Guru Shishya Parampara even if you go to any guru to achieve anything in your life. That will also a blessing for you to learn, and God will show you the path of success. So please, please respect your parents who sacrifice their life for you. Respect your teachers who give you knowledge to rise in this world and make you famous and make you, you know, giving you so much of knowledge to survive. At the end, I want to talk about a little bit about my son, whom I'm very blessed to have him as my son. His name is Ashwin Cha. He's not a singer, but singing is a God gift to him. And today you will meet him in a very short span of time. He's very patient, very loving, and hardworking young man. He never had a teacher. I have been looking for the teacher, but never got one for him. I wanted a very traditional teacher. I was not looking for a very famous teacher, but I was looking for a teacher who can really work hard and who's result oriented with my son and pass her education or the knowledge, real art of vocal music to him. And I came across to Dhanashree Chiri, and I love her voice, and Ashwin's journey just started with her, and I pray to God that my son will learn a lot with Dhanashree Ji and pass her legacy to another generation. I want to thank Dhanashree Ji again to teach my son and to be a teacher of him, and really request to teach him, you know, the art, the talent he have. Thank you, Dhanashree Ji, once again. Namaskar. Hello, and a very warm welcome to all my Indian audience and music lovers in India and abroad. Our program today is in the honor of the legendary poet, lyricist and screenwriter, the late Sri Rajendra Krishan Dogalji. And in today's program, I will be introducing some of his golden hit songs. I'm going to be your host for today, and let me introduce myself. My name is Ashwin Jha, and I am from Raleigh, North Carolina, USA. I have a Bachelor's of Science degree in Biology as I graduated from William Peace University. I was born in Macau, and I am the son of Guru Miss Nina Jha, who is an exponent of Kathak dance. Guru Miss Nina Jha is the director of Shiva Dance Center and the head of Sangam Kala Group in North Carolina,
USA. She is also a dancer, performer, teacher, as well as a choreographer. I come from a family of traditional Indian classical musicians and dancers. I have had a passion for singing since the age of 3. I migrated with my mom to India at the age of 4, where I lived there for a very short period of time to learn the Indian culture and religion. And finally, in 2009, I migrated to the United States permanently. I received full scholarship from the US government to complete my 4 years of undergraduate degree. And while I was pursuing my studies at William Peace University, I also won the Peace Idol competition, and I was an active member of the Peace Singers Choral Group. I was also on the Dean's List of Academic Scholars as an undergraduate student for 4 years. As you all know, I have been brought up in a pure classical music and dance atmosphere. And I have an immense appreciation for this form of art, which has enabled me to sing classical songs, semi-classical songs, folk songs, as well as bhajans. I have been performing my art in the North Carolina Triangle area, where I have been singing and I have been performing at different Hindu temples at various prestigious stages in North Carolina, such as North Carolina Raga Revival. Over the last few years, I've also auditioned and I've also been part of prestigious US shows such as The American Idol, The Voice, and America's Got Talent. I have also given numerous performances on radio shows and radio interviews such as Radio Vatista, Adab Arz Hai, Pushkala Sangeet Kendra, and Sangam Kala Group. Very recently, I also won the state championship in singing for Encore or Encore DCS competition, which is a US national competition. So this was a little bit of a brief introduction about myself. Now I would like to go ahead and introduce, and I will be introducing a very famous and prominent Indian classical singer who has created a legacy and inspired many young and upcoming artists, talented artists, in India and as well as in abroad, who has created a prominent and established a prominent music academy. And she has mesmerized audiences from all around the world with her beautiful and talented voice and singing talent. She currently teaches in India, and she also teaches students from around the world. And she is none other than the famous guru, Mrs. Dhanashri Deshpande ji, who hails from Mumbai, India. Guru Ms. Dhanashri Deshpande ji has established Dhanashri Deshpande Music Academy and teaches students in India as well as abroad. I will also be introducing her students and some talented participants who will be bringing their unique singing talents to this program. Before we begin this program, I would like to express my gratitude to Dhanashri Deshpande Music Academy for giving me an opportunity to present this program and to be an anchor and for anchoring this program. To my fellow Indians in India and across the world. Before we begin this program, it would be an honor to introduce Guru Ms. Dhanashri Deshpande and just give all of you just a brief background about her skills, about her achievements, about her talent. I want to let all of you know that I am a self-made singer and I have not received any formal training or guidance under any teacher. And so Guru Ms. Dhanashri Deshpande ji is my first guru.
I am very thankful to my mother, Guru Miss Nina Jha, who for finding me such a wonderful teacher like Guru Miss Dhanashri. I have been receiving training from her in the Gwalior Gharana of Indian classical music, and I started learning from her very recently. I want to inform all of my Indian audience members, not only in India but across the world, that not only is the state of Maharashtra where she is from, but also India as a whole country is very blessed and very fortunate to have Guru Ms. Dhanashri Deshpande as a teacher. She has learned this form of art and received training under the guidance of her father, the very famous harmonium player, Guru Sri Gangadhar Devji. She has an MA, an MPhil in classical music, and is also a B high grade in Akashvani, in both light and classical. She had worked in Sangeet Natak and the musical drama Sangeet Swar Samradhani. She has learned Indian classical music in Gwalior Gharana and is a trained versatile singer. She sings classical songs, semi-classical songs, old and new Hindi film songs, bhajans, Sufis, and many more genres. There is a saying in Hindi, Suraj ko deepak dikhana. Although Guru Ms. Dhanashri Deshpande ji doesn't need an introduction because she is such an accomplished singer, Guru Ms. Dhanashri Deshpande, as you all know, is a very versatile singer, and over the years she has sung with, along with some very famous musicians and artists. And so you may know the names of some of these singers. She has sung with famous artists such as Suresh Vadkar, Arun Date, Sridhar Phadke, Suman Kalyanpur, Usha Mangeshkar, Sudesh Bhosle, and many more artists. Recently, she performed in the Netherlands along with Dr. Prakash Amte and Ms. Mandakini Amte. She has given numerous performances, not only in India, but across many countries. One of those countries being in Russia, where she performed with Manhar Udas a few years ago. I would also like to make a very important announcement to all of my Indian audience that Guru Ms. Dhanashri Deshpande ji was also a winner on the famous TV show God of Maharashtra. So I just wanted to let all of you know about our very important accomplishment. So this is a little bit of a background about Guru Ms. Dhanashri ji. I'm sure that when she will introduce herself, she will get a chance, an opportunity to tell all of you more about herself and her background and her accomplishments. And I'm just very fortunate enough that I had the opportunity to introduce her. But I'm sure that when she will be introducing herself, she will have a chance to share more of her talents and more of her about herself to all of you. But I just want to let everyone know that Guru Ms. Dhanashri Deshpande ji wishes to spread happiness across the world with her music. And so she seeks your love, blessings, and support. So, my Indian fellow audience and music lovers, please give a warm welcome to the talented and beautiful singer and artist, Guru Ms. Dhanashri Deshpande ji. हमारा अगला गीत है देख कबीरा रोया. इस फिल्म से मन्नाडे जी ने इसे गाया है. पर्दे पर अनूप कुमार जी हैं. और इश्क में पागल होने की जो अवस्था होती है उसके पहले के अवस्था पर यह गीत लिखा गया है. सुनने में तो बहुत आसान लगता है लेकिन लिखने में बहुत कठिन है.
इस मुश्किल से सिचुएशन पर ये गीत उनको कैसे सूझा, उन्होंने कैसे लिखा पता नहीं, लेकिन बहुत सुंदर लिखा है। और इस फिल्म की जो नायिका है वो पायल पहनती है, और जो उसका नायक है फिल्म का वो कहता है कि ये कौन है जो पायल की झनकार करके मेरे मन से मुझ में समा गई है, जिसे मैं पसंद करने लगा हूँ। और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं, ज़्यादा तो मैं उसे पहचानता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे पसंद आने लगी है, तो ये क्या कहीं मेरा पागलपन तो नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ मेरा संसार बिठा सकता हूँ, और अगले ही पल मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ। ऐसा एक इश्क तो है, लेकिन उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो कन्फ्यूजन स्टेट में है। इसका मतलब इश्क में पागल होने की जो स्थिति आती है हमेशा, तो उसके पहले का ये बहुत ही सुंदर गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। और ये उस दौर में लिखा गया, 1957 की ये फिल्म है, जिस समय महिलाएं लड़कियां पायल पहनती थी। और आज के दौर में आप अपने आसपास देखिए, अपने घर में देखिए, अपने रिश्तेदारों में देखिए, कहीं कोई लड़की पायल पहनती है क्या? आजकल की लड़कियों का एक अलग ही स्टाइल है, अलग ही गहने हैं, तो उनकी गहने जो होती है वो फटी हुई जीन्स होती है, या तो फिर अलग अलग जगहों पर टैटू होते हैं, बालों को कलर किया जाता है, तो यही सब उनके गहने होते हैं। लेकिन उस दौर में, 1957 की ये फिल्म है, ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, उस समय लड़कियां पायल पहनती थी और उससे उनकी खूबसूरती और बढ़ती थी। तो इसीलिए हमारे गीतकार जो है इन्होंने बहुत खूब लिखा है कि कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार की। सो वी विल नाउ बिगिन विद द पार्टिसिपेंट्स। आवर फर्स्ट टैलेंटेड परफॉर्मर इज Ms. Diya Mazumdar from Kolkata, who will be singing Kaun Aaya Mere Man Ke Dware from the movie Dekh Kabira Roya. So please welcome and give a big round of applause to Ms. Diya Mazumdar. All the best, Ms. Diya. I hope you will wow the audience with your amazing voice. Thank you. I hope you will all enjoy her song. Thank you. कौन आया मेरे मन के द्वारे।
थैंक यू। आइए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला गीत जो है वो फिल्म धरती से लिया गया है, रफ़ी साहब ने इसे गाया है, शंकर जयकिशन जी का संगीत है। महबूब की तारीफ में लिखा गया ये गीत है। हम लोगों ने अक्सर महबूब की तारीफ के गीत सुने हैं, हजारों गीत लिखे गए अब तक, लेकिन इस गीत में क्या विशेषताएं हैं? आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने इस गीत को क्यों चुना है? आइए थोड़ी नज़र डालते हैं इस गीत के ऊपर, तो आप लोग समझ जाएंगे इस गीत में क्या विशेषताएं हैं और इस गीतकार में भी क्या विशेषताएं हैं। है तो ये महबूब की तारीफ करने वाला गीत, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूँ, हमारे जो गीतकार है राजेंद्र कृष्ण जी, इन्होंने इस गीत को एक ऐसी ऊंचाई पे जाके रख दिया है जिसके ऊपर शायद ही कोई गीतकार होगा जो अपने महबूब की तारीफ में लिख पाएगा। जनरली हम लोग महबूब की तारीफ में ये सब सुनते हैं कि तुम्हारे बाल बहुत सुंदर है, तुम्हारे होंठ गुलाबी है, आंखें नशीली है, और ये सब चीज़ें हम लोग सुनते हैं, लेकिन इस गीत में इन्होंने शब्दों को इस प्रकार ढाला है कि मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर महबूब की तारीफ में कोई गीत लिखा जा सकता है। क्या विशेषताएं है इस गीत में? मुखड़े से लेके तीसरे अंतरे तक पूरी विशेषताएं है। तारीफ किसको पसंद नहीं, तारीफ सभी को पसंद आती है। और तारीफ से क्या होता है कि हम लोग सामने वाले के दिल में जगह पाते हैं, और यूजुअली महबूब की तारीफ करके हम लोग उसे खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, मना सकते हैं। आज की भाषा में अगर हम लोग बात करें तो उन्हें हम लोग पटा सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। तो हमारा इस फिल्म का जो नायक है वो भी यही चीज़ कर रहा है, और तारीफ करने के लिए नायक कहता है कि अगर खुदा भी अगर आसमां से देखेगा तो उसे ताज्जुब होगा कि इतनी सुंदर ये चीज़ तुम्हें किसने बनाया। वो सोच रहा है, वो सोच में डूबा हुआ है कि तुम्हें इतना सुंदर बनाया किसने। कौन सोच रहा है? खुदा आसमां से, यानी वो भी सोच में डूबा हुआ है। ये गीत पूरा हिंदी भाषा में, सरल हिंदी भाषा में, इसमें एक शब्द पहले अंतरे में आता है मुसव्विर, जिसका मतलब मैं आपको बता दूं, चित्रकार। तो चित्रकार जो होता है वो खुद सोच में डूबा हुआ है कि ये इतना खूबसूरत चित्र किसने बनाया, ये कौन सोच रहा है। ये खुद चित्रकार सोच रहा है, चित्रकार का मतलब है वही फिर से खुदा, जो हम सभी के चित्र बनाता है, तो वो ही सोच रहा है। तो इस गीत की विशेषताएं जो है वो ये है कि महबूब की तारीफ में एक मर्यादा होती है, एक लिमिट होती है, लेकिन उन सभी मर्यादाओं को लांग कर एक बहुत हाइट पे जाके महबूब की तारीफ की गई है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर शायद ही कोई लिख पाएगा। तो पहले तो मुखड़े में कहा कि खुदा सोच रहा है कि तुम्हें बनाया किसने, पहले अंतर में लिखा है कि जो चित्रकार है वो भी कंफ्यूज है कि इस सुंदर से चित्र को किसने बनाया है, और तुम ऐसी किसकी तकदीर में हो, वो कौन सा व्यक्ति है जिसकी इतनी हसीन तकदीर है कि जिसके तकदीर में तुम हो। यहाँ पर एक मुखड़े में देखिए दूसरी लाइन में कहा गया है कि खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। यानी यहाँ पर कवि ने एक तो कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि तुम मेरी महबूबा हो, यानी यहाँ पर तुम्हारे हाँ के लिए मुझे कोई इंतज़ार करना नहीं है, तुम हाँ करोगी नहीं करोगी, तुम ऑलरेडी मेरी महबूबा हो। तो यहाँ पर वो कंसेप्ट तो क्लियर हो गया पहले ही इसमें। जनरली लोग
अपने प्यार का इजहार जब करते हैं तो इंतज़ार करते हैं कि वो अपने इजहार का स्वीकार करें, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी पहले ही लाइन में, दूसरी लाइन में ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो कम से कम शब्दों में उसके पीछे की जो फीलिंग है, भावनाएं है, वो सामने लाने का जो हुनर है वो राजेंद्र कृष्ण जी में था। और जिसमें मैं कहता हूँ कि एक तारीफ में एक हाइट पे जाके लिखना, तो पहले अंतरे में लिखा है इन्होंने, बनोगी जिसकी तुम ऐसी तकदीर किसकी है, और आखिरी में कि कभी वो जल रहा होगा और कभी खुश हो रहा होगा, यानी वो खुदा भी जल रहा होगा कि तुम मेरी तकदीर में हो। ये एक, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि तारीफ की एक हाइट हो गई। और इस गीत में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तारीफ दोनों भी है, जैसे मुखड़े में और पहले अंतरे में इनडायरेक्ट तारीफ की गई है। ऐसा नहीं कहा गया कि तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत सुंदर हो, घुमा फिरा के कहा गया, इनडायरेक्टली कहा गया है। तो बहुत सुंदर लगता है ये। और दूसरे अंतरे में जो है वो डायरेक्ट तारीफ है। डायरेक्ट तारीफ मतलब तुम्हारे जिस्म की तारीफ, तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ, तुम्हारे आँखों की तारीफ। आँखें जो होती है, नज़रें जो होती है, ये प्यार का पहला द्वार है, इट्स अ गेट ऑफ एंट्री। एंट्री करने का गेट है आँखें। कई सारे गीत आँखों के ऊपर लिखे गए। तो दुनिया की जितने भी मस्तियाँ होती है, आँखों की मस्ती, वो सब तुम में समा गई है, ये डायरेक्ट तारीफ है। तुम्हारा जो ये जिस्म है, ये कई सारी बहारों ने मिलके उसे सजाया है, बनाया है। और आखिरी लाइन में हमारे कवि कहते हैं, जहां पर वो फिर से एक हाइट पे जाके तारीफ करते हैं कि आज के पहले भी तुम जैसा कोई हसीन नहीं था और आज के बाद भी कोई हसीन नहीं रहेगा, इतनी सुंदर तुम हो। तो ये तीसरी हाइट है प्यार की, तारीफ करने की। इसके तीसरे अंतरे में तो राजेंद्र कृष्ण जी ने तो कमाल कर दिया है। एक इसमें वर्ड आता है तीसरे अंतरे में, फरिश्ता। फरिश्ता ने, जिसे हम लोग एंजल्स कहते हैं, देवदूत कहते हैं, ईश्वर ने जिसको भेजा है धरती पर, उसे हम लोग फरिश्ता कहते हैं। तो ये फरिश्ते जो है, ये गीत का जो पिक्चराइजेशन है वो रात में है। और गीतकार यहाँ पे लिखते हैं कि फरिश्ते रातों को घूम रहे होंगे, और फिर से एक बार एक हाइट तारीफ की है जिसमें लिखा है कि तुम जहाँ जहाँ पाँव रहोगी उस जगह को वो चूमते होंगे। तो इतनी बड़ी तारीफ करने के बाद उस लड़की को, उस नायक के प्यार को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये गीत अगर कोई आप और हमारे जैसा कोई किसी के लिए अगर गा ले, तो उसे भी हमारा प्यार स्वीकार कर लेना चाहिए। इतना पावरफुल ये गीत है, इसके शब्द जो है इतने आसान भी है और पावरफुल भी है, शक्तिशाली भी है। और इसके बाद भी अगर वो लड़की आपसे प्यार ना करे, तो मेरी आपसे सलाह रहेगी कि आप अपना रास्ता चेंज कर दीजिए, प्लीज़। आइए इसी खुशी के साथ हम लोग ये बहुत ही प्यार भरा, मस्ती भरा इस गीत को सुनते हैं। इसे गा रहे हैं अश्विन झा, जो कि यूएसए से है, और चलिए हम लोग इसे सुनते हैं। Thank you.
आसमां से जब जमीन पर देखना होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखना होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा खुदा भी आसमां से फिर खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है बनोगी जिसकी तुम ऐसी हंसी तकदीर किसकी है कभी वो जल रहा होगा कभी खुश हो रहा होगा खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा खुदा भी आसमां से मस्ती को निगाहों में समेटा है कली से जिस्म को कितनी बहारों में लपेटा है हुआ तुम साथी पहले न कोई दूसरा होगा खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा खुदा भी आसमां से फरिश्ते भी यहाँ रातों को आकर घूमते होंगे जहाँ रखती हो तुम पाओ जगे वो चूमते होंगे किसी के दिल पे क्या गुजरी ये वो ही जानना होगा खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा खुदा भी आसमां से थैंक यू अश्विन आपने बहुत अच्छा गाया है बहुत सुंदर गाया है आइए हम लोग अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं हमारा अगला गीत है फिल्म संजोग से 1961 की ये फिल्म है मदन मोहन जी का संगीत है और मुकेश जी और लता जी ने इसे गाया है हमें जब भी किसी से मोहब्बत होती है तो उसकी कोई वजह होती है उसका कोई कारण होता है और कई बार हम दोनों का एक ही अगर मकसद है तो हम प्यार में डूब जाते हैं उस व्यक्ति से प्यार करने लगते हैं उस व्यक्ति से हमें मोहब्बत होने लगती है जैसा कि हम लोगों ने देखा है एक ही प्रोफेशन के दो लोग हैं तो वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं जैसे डॉक्टर डॉक्टर हो गए वकील वकील हो गए सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट हो गए तो ये गायक गायिका होते हैं
ऐसे अलग अलग लोग लेकिन प्रोफेशन एक ही है। तो हमारा मकसद जो है वो एक ही है, हमारी मंजिल एक है, हमारा रास्ता एक है, हमारा सफ़र एक है, तो हमें प्यार तो होना ही था। बस इसी को बहुत ही सरल भाषा में हमारे गीतकार राजेंद्र किशन जी ने लिखा है कि एक मंजिल राही दो, फिर प्यार ना कैसे हो, प्यार तो होना ही था बस। और गीतकार आगे लिखते हैं कि हमारा दिल भी वही है, मैं भी वही हूँ, मेरा दिल भी वही है, मैं भी वही हूँ, लेकिन मेरी धड़कनें बदल गई हैं। और फूलों को अगर एक अच्छा वातावरण मिलता है तो वो खिल उठते हैं, वैसा ही प्यार में अगर हमें खुशियाँ मिलती है तो हमारी मोहब्बत भी खिल उठती है। इसे बहुत सिंप्लीफाइड करके लिखा गया है और उतने ही आसान तरीके से इसे कंपोज भी किया गया है। आई रियली सैल्यूट टू बोथ लीजेंड, मदन मोहन जी एंड राजेंद्र कृष्ण जी। और ये इतना सुंदर गीत है, जब इस गीत की प्रैक्टिस चल रही थी तो हमारे घर के छोटे बच्चे भी इसे आराम से गा रहे थे। तो आप लोग भी अपने अपने घर में बैठ के इसे साथ साथ गाने का आनंद लीजिए, सुनने का भी आनंद लीजिए। आइए हम इस गीत को सुनते हैं, ये डुएट गीत है, इसे गाने जा रहे हैं अश्विन झा और धनश्री देशपांडे।
फिर प्यार न कैसे हो। Our next performer is another talented singer who comes from Mumbai and will be singing Hum Pyar Mein Jalne Walo Ko from the movie Jailer. So, let's all give a welcome to Mrs. Sujala Argade and we will all enjoy her beautiful song. दोस्तों, अब मैं यहाँ एक ऐसे शख्स को आमंत्रित करना चाहता हूँ जो कि मूलतः है तो पंजाब से, लेकिन पिछले 27 वर्षों से सिंगापुर में स्थायिक है। संगीत का और गाने का शौक तो इन्हें बचपन से ही था और वो धीरे धीरे शौक बढ़ता भी गया, लेकिन अभी जिम्मेदारियों के कम होने के बाद, यानी एज अ प्रिंसिपल रिटायर होने के बाद, इन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत के लिए समर्पित करने का ठान लिया है। हाल ही में इन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी बनाया है, गोल्डन हिंदी सॉन्ग्स। इसके ऊपर काफ़ी सारे नए नए सॉन्ग्स आप अपलोड करते हैं, तो मैं बड़े प्यार से, बड़े आदर से इन्हें आमंत्रित करता हूँ। सरबजीत कौर सिंगापुर से है।
सरबजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे अकादमी के साथ जुड़ने के लिए। और इस कार्यक्रम में सरबजीत जी कुछ गाने भी पेश करेंगी और साथ साथ हमारे साथ साथ कार्यक्रम का एंकरिंग भी करेंगी, कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाएंगी। तो मुझे बहुत खुशी है, सरबजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम दोनों इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धनाश्री जी थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। मैं आज थोड़ा गाऊंगी भी और थोड़ी सी एंकरिंग भी करूंगी। तो आई एम सो हैप्पी कि यह प्रोग्राम गोल्डन हिट्स ऑफ लेजेंडरी पोएट श्री राजेंद्र कृष्ण पार्ट वन का जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसमें हमें सबसे पहले उनके ही सुपुत्र श्री राजेश दुग्गल जी की बेस्ट विशेज मिल गई। थैंक यू वेरी मच राजेश जी। एंड अब तो प्रोग्राम अच्छा जरूर ही होगा। अपने गुरु, अपने मेंटर धनाश्री जी के लिए यदि मैं कुछ ना बोलूं तो मुझे बहुत फीका फीका सा लगेगा। हम सब ने ये कहावत सुनी है ना कि जब किसी पेड़ को फल लगते हैं तो वो झुक जाता है। ये कहावत धनाश्री जी पर बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, फिट बैठती है, क्योंकि वो इतनी विनम्र हैं, इतना कुछ करती हैं, फिर भी उनमें लेश मात्र कोई गरूर नहीं है। तो यह चीज़ उनको और भी खूबसूरत बना देती है। जैसे माली अपने पौधों को सींचता है, उसकी देख रेख करता है, उसको संभालता है, ऐसे ही धनाश्री जी अपने छोटे बड़े सभी स्टूडेंट्स को संगीत से संवारती हैं और संगीत की सेवा में हैं। इसके साथ ही उनके हम सफ़र शशांक जी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं और हर इवेंट में उनकी सहायता करते हैं। तो चलो ज़्यादा ना कहते हुए यह प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। अपने के साथ जब हम झगड़ा करते हैं, शिकवे करते हैं, तकरार करते हैं तो उसके बाद यह गाना और भी मीठा लगता है। तो सुनते हैं। आइए अब हम हमारे अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला गीत जो है वो फिल्म पड़ोसन से है, आर डी बर्मन जी का संगीत और लता जी का स्वर। जब भी कोई लड़की किसी के प्यार के इजहार को स्वीकार करती है और फिर कहती है कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप मुझसे करते हो, तो उस समय उसे शर्म आना स्वाभाविक है। यह मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जिस समय लड़कियाँ शर्माती थी। शर्माना उनका एक स्वभाव था, शर्माना उनका एक गहना था। आजकल तो शर्माना तो बहुत दूर की बात है, लड़कियाँ काफ़ी बोल्ड हो चुकी है, खैर वो अलग बात है। तो किसी लड़की के मन के भावों को इतनी सहजता से शब्दों में उतारने की जो राजेंद्र कृष्ण जिनकी कला थी वो काबिले तारीफ थी। एक ऐसी लड़की जो प्यार का इजहार भी कर रही है और प्यार का स्वीकार भी कर रही है, जो काफ़ी दिनों से चुप भी थी, लेकिन आज एक ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई है कि उसे ये कहना पड़ रहा है कि मैं भी तुमसे प्यार कर रही हूँ। ये कहते समय उसे शर्म आ रही है, लेकिन वो कहना चाहती है कि नहीं, मैं भी तुमसे आज प्यार करने लगी हूँ। कितना सुंदर लिखा है। और जीवन में प्यार से बढ़कर और दूसरा कोई गहना नहीं होता, प्यार से बढ़कर कोई दूसरी दौलत नहीं होती, ये चीज़ मैं आज समझ चुकी हूँ। आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई गम नहीं रहेगा, तुम्हारे सारे दुख दर्द सारे गम मैंने खरीद लिए हैं, मेरी सारी खुशियां मैंने तुम्हें दे दी है। ये एक बहुत बड़ी सोच है और प्यार में सैक्रिफाइस करना ये एक बहुत बड़ी बात होती है।
मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है, नज़दीक से देखा है, जिन्होंने अपने जीवन में अपने प्यार के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस दिया है। यहाँ पर गीतकार वही कहते हैं कि तुम्हारे सारे गम मैंने खरीद लिए हैं, जीवन में तुम्हें आज के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसमें अगर प्यार है तो उस वहाँ पर सेक्रीफाइस ज़रूर होगा, चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो। पति की किडनी फेल हो चुकी है, पत्नी ने अपनी किडनी देकर उसे एक नया जीवन दान दिया है, अपने शरीर का एक हिस्सा निकाल के अपने पति की खुशियों के लिए दिया है, माँ ने अपने बेटे को किडनी दी है। ऐसे कई सारे उदाहरण, अलग अलग उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं, नज़दीक से देखे हैं। तो प्यार में ये जो गमों की खरीदारी जो होती है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पर कवि नायिका के रूप में यही कहता है कि आज के बाद तुम्हारे सारे गम मेरे हैं, तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। इसी भाव को मन में रखते हुए आइए चलिए हम लोग इस गीत को सुनते हैं। इस गीत को गाया है हमारे अकादमी के छात्र सरबजीत कौर जी, इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इसको गाया है। और सरबजीत जी सिंगापुर से है, हमें बहुत खुशी है कि सरबजीत जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आइए हमें इस गीत को सुनते हैं। Yeah.
गाना श्री राजेंद्र कृष्ण जी का जो है वो मदन मोहन जी ने संगीत में पिरोया है। इन दोनों की जोड़ी आपस में बहुत फिनोमिनल रही है। यूं तो श्री राजेंद्र कृष्ण जी ने 350 से भी ज्यादा फिल्मों में अपना योगदान दिया है, मगर इन दोनों ने 36 फिल्मों से भी ज्यादा में अपना जादू बिखेरा है। तो फिल्म का नाम है मनमौजी, गीत के बोल हैं मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना। तो इसको गाने आ रही है हमारी प्यारी सी नन्ही सी क्यूट कलाकार पलक धगे फ्रॉम अमरावती। तो लेट्स वेलकम हर। वाह बहुत खूब। प्यार की जो बुनियाद होती है वो विश्वास के ऊपर टिकी है। ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और हमारे यहाँ ऐसी कई सारी फिल्में बनी हैं, कई सारे गीत लिखे गए हैं जिसमें प्यार को तोड़ा गया है इसका वर्णन है, वो विश्वास टूट गया है इसका वर्णन है। और सच्चे प्यार करने वाले अक्सर अपनों को छोड़ के दुनिया को भुला के उस एक इंसान के लिए वो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक इंसान से वो प्यार करते हैं और अपने पीछे पूरी उनकी दुनिया छोड़ देते हैं। और बाद में जब उन्हें पता लगता है कि नहीं, मेरा सोचना गलत था, मेरा निर्णय गलत था, मैंने एक झूठे से प्यार किया, मैंने एक बेवफा से प्यार किया, मैंने आंधी में दिया जलाने का प्रयास किया, तो ज़रा सोचिए कि उस इंसान पर क्या बीत रही होगी। प्यार में हारना और हार की जो फीलिंग होती है, हार की जो भावनाएं होती है, वो हमेशा ही बड़ी दुखदायक होती है, चाहे वो कोई लड़की हारे या कोई लड़का हारे। और मोहब्बत में जो हारने की स्थिति होती है, मन की स्थिति होती है, उस स्थिति का वर्णन करने वाला ये गीत है हमारा अगला गीत। यहाँ पर हमारी जो नायिका है, फिल्म की नायिका, वो भी यही सोच रही है कि काश अगर मेरे नैन तुम्हारे नैन से नहीं मिलते, काश तुम मुझे नहीं मिलते, काश मैं तुमसे दिल ना लगा बैठती, काश मेरे जीवन में तुम नहीं आते तो मेरा दिल भी नहीं टूटता और मुझे ये दिन भी नहीं देखने को मिलता। इसी भाव को मन में रखते हुए हम लोग इस गीत को सुनते हैं। जब भी किसी लड़की का अगर प्यार मोहब्बत में दिल टूटता है तो उसकी जुबां से यही गीत निकलेगा कि मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। आइए इस गीत का आनंद लेते हैं। Thank you.
पलक, बहुत अच्छा गाया आपने बेटा, कीप इट अप। तो अभी जिस शख्स को मैं बुलाने वाली हूँ उनका नाम है डॉक्टर प्रकाश चौगले। यूं तो वो महाराष्ट्र कोल्हापुर से हैं मगर पिछले 30-35 सालों से USA में सेटल हैं एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट। सो डॉक्टर प्रकाश चौगले वो वहाँ रह के भी इंडिया की बहुत मदद करते रहते हैं, उनके लिए फंड्स रेज करते हैं। जब गुजरात में अर्थक्वेक आया था उसके लिए भी उन्होंने बहुत मदद की, और इसके अलावा यहाँ कैंसर के पेशेंट्स की और क्रॉनिक इलनेसिस की वो पूरी खबर रखते हैं और समय समय पर अपना योगदान देते ही रहते हैं। उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। इसके अलावा उनके संगीत में बहुत रुचि है, बहुत सुंदर गाते हैं, लोग उन्हें प्यार से वॉइस ऑफ मुकेश कहते हैं। तो चलिए आज उनकी आवाज़ में सुनते हैं नागिन का एक प्यारा सा गीत जिसको हेमंत जी ने संगीत में पिरोया है और गाने के बोल हैं जिंदगी के देने वाले। चलिए सुनते हैं। थैंक यू सरबजीत जी, आपने बहुत खूब कहा है। तो हमारा अगला गीत जो है वह फिल्म नागिन से है, हेमंत कुमार जी का गाया हुआ ये गीत है। ये गीत बहुत बड़ा दर्द भरा गीत है और हमारी जो ज़िंदगी होती है ये ईश्वर की देन होती है। हम लोग तो सिर्फ कठपुतलिया है लेकिन हमारे जीवन पर सबसे पहला अधिकार जो होता है वो हमारे ईश्वर का होता है जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। अगर हम इस बात को समझेंगे तो हमें आगे चल के दुख नहीं होगा। हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा होता है उसके लिए हम लोग अक्सर ईश्वर के आभार प्रकट करने में चूक जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन जब भी हमारे जीवन में कोई बुरी घटना घटती है, कुछ बुरा होता है, तो हम सबसे पहले हम हमारे ईश्वर को दोष देते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में जो भी बुरी घटनाएं हो रही है वो ईश्वर की आज्ञा से हो रही है, हमारा ईश्वर ही उन्हीं घटनाओं को हमारे जीवन में ला रहा है। पर वास्तविकता बिल्कुल विपरीत है, वास्तविकता बिल्कुल अलग है। इस गीत का जो नायक है, जो हीरो है, उस हीरो की भी यही भावना है कि उसके जीवन में जो कुछ भी आया है, दुख आया है, वो उसे ईश्वर ने दिया है। और वो ईश्वर से डायरेक्ट उसके भगवान से वो सवाल पूछ रहा है। इस सवाल में गीतकार यहाँ पर लिख रहे हैं कि जिंदगी के देने वाले, जिंदगी के लेने वाले। इसका मतलब क्या है कि जिंदगी दे भी तू रहा है और जिंदगी वापस भी तू ही ले रहा है। तो जिंदगी के देने वाले, जिंदगी के लेने वाले, प्रीत मेरी छीन के मुझे बता कि तुझे क्या मिला है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, कवि राजेंद्र कृष्ण जी हमेशा अपने शब्दों को एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाके लिखते हैं। मोहब्बत में तारीफ करते समय भी उन्होंने ऐसे ही एक ऊंचाई के शब्दों को प्रयोग में लाया, वैसे यहाँ भी दर्द भरे गीत में भी उन्होंने एक जो दर्द की जो सीमा होती है, जो लिखने की जो सीमा होती है, उसको इतने ऊंचाई पर लिख लिया है कि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अगर कोई दर्द भरा गीत लिखा जाएगा तो वो इसके ऊपर रह सकता है। इसके पहले अंतरे में ही उन्होंने एक बहुत बड़ा दर्द भरा सवाल पूछा है भगवान से, बहुत बड़ा गंभीर आरोप भी किया है, सिर्फ सवाल ही नहीं पूछा है, भगवान से पूछा है कि प्रीत मेरी छीन के तुझे क्या मिला, तूने मेरी बीना तोड़ी, तूने मेरा सहारा छीन लिया, तुझे लाज क्यों नहीं आई।
भगवान की लाज निकालना ये बहुत बड़ी चीज है कि तुझे लाज क्यों नहीं आई, तूने मेरा सहारा छीन लिया। आप जरा सोच के देखिए उस नायक के मन में क्या चल रहा होगा जिस समय वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। उसकी भावनाएं समझने का प्रयास कीजिए। बहुत गंभीर स्वरूप का आरोप है और बहुत दर्द छुपा है इस गीत में। हेमंत कुमार जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसे गाया है। बहुत दर्द भरा गीत है। तो जब भी कोई इंसान के ऊपर दुखों का पहाड़ गिरता है, वो अपने होश खो बैठता है और होश खो बैठने के बाद में ही उसे इस प्रकार के उसके मन में विचार आने लगते हैं और इस प्रकार के वो आरोप करने लगता है, इस प्रकार से वो दोष देने लगता है अपने भगवान के ऊपर कि तूने ही मेरी सुख चैन छीना है, तुझे क्या मिला मेरा सुख चैन छीन के। तो जब भावनाएं विद्रोह कर उठती है तो इस प्रकार के शब्द मुंह से निकलते हैं कि जिंदगी के देने वाले, जिंदगी के लेने वाले, प्रीत मेरी छीन के बता तुझे क्या मिला क्या मिला। आइए इस गीत को हम लोग सुनते हैं डॉक्टर प्रकाश चौगुले इनकी आवाज़ में। प्रकाश जी अमेरिका से है और हमें बहुत खुशी है कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू प्रकाश जी, आइए इस गीत को हम लोग सुनते हैं। नागिन के विष से गिरी हुई जान में दोबारा जान एक सपेरे की बिना ही डाल सकती है, ये हेमंत कुमार ने हमें फिल्म नागिन में दिखाया था। राजेंद्र किशन ने भी इस गीत को लिखते हुए ऊपर वाले से बहुत मुश्किल सवाल पूछा था। तूने तोड़ी मेरी बिना दे के सहारा छीना, लाज तुझे क्यों न आती, प्रीत मेरी छीन के बता तुझे क्या मिला। 1954 में नागिन फिल्म को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला और राजेंद्र किशन ने लिखे हुए इन गीतों के लिए हेमंत कुमार को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का भी अवार्ड मिला। जिंदगी के लेने वाले ओ, जिंदगी के देने वाले, जिंदगी के लेने वाले, प्रीत मेरी छीन के बता तुझे क्या मिला। ओ, जिंदगी के देने वाले, जिंदगी के लेने वाले, प्रीत मेरी छीन के बता तुझे क्या मिला। कहाँ करे दीप जब बुझ गई बाती, बिछड़ गया मेरा साथी, तूने तोड़ी मेरी बिना दे के सहारा छीना, लाज तुझे क्यों न आती, चैन मेरा लूट के बता तुझे क्या मिला। जिंदगी के देने वाले, जिंदगी के लेने वाले, प्रीत मेरी छीन के बता तुझे क्या मिला। मैंने कब तोड़े भला चांद सितारे तेरे, फिर क्यों बुझाए तूने
दिल के उजारे मेरे, मैंने कब तोड़े भला चांद सितारे तेरे, फिर क्यों बुझाए तूने दिल के उजारे मेरे। मुझे मेरी जान दे दे, प्रीत को ये दान दे दे, खोए हुए मेरे प्राण दे, दिल मेरा तोड़ के बता तुझे क्या मिला। ओ जिंदगी के देने वाले, जिंदगी के लेने वाले, प्रीत मेरी छीन के बता तुझे क्या मिला। प्रकाश जी, बहुत सुंदर गाया आपने, ब्यूटीफुल। तो अपने संगीत के सफर में आगे बढ़ते हुए जो हमने नेक्स्ट गाना चुना है वो है एक ड्यूएट सॉन्ग, एंड फिल्म का नाम है दुनिया झुकती है, जिसको संगीत से संवारा है हेमंत जी ने, और बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक और प्यारा सा गीत है, और गाने वाले हैं हमारी ही प्यारी टीचर धनाश्री जी और डॉक्टर प्रकाश जी। क्या खूबसूरती से उतारते हैं अपने गानों में सुंदर सुंदर लफ्ज हमारे ही श्री राजेंद्र कृष्ण जी। तो सुनते हैं गुमसुम सा ये जहां। हमारा अगला गीत है दुनिया झुकती है, इस फिल्म से हेमंत कुमार और गीता दत्त, इन दो बड़े गायकों ने इन्हें गाया है। और जब भी कोई इंसान प्यार में पड़ता है, जब भी किसी इंसान को प्यार मोहब्बत की बीमारी लगती है, तो उसका लक्षण क्या है? तो सबसे पहले उसे ये प्रकृति पसंद आने लगती है, ये नेचर, ये निसर्ग, ये पसंद आने लगता है। प्रकृति की सारी चीज़ें, पहाड़, नदी, समंदर, हवा, पेड़ पौधे, फूल, ये सब चीज़ें उसे पसंद आने लगती है। और मानो ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रकृति हमें हमारी मोहब्बत में हेल्प कर रही है, सहायता कर रही है, मदद कर रही है, हमारे साथ चल रही है। और ये एक लॉ ऑफ पॉजिटिविटी है, यूनिवर्सल लॉ है, और यकीन मानिए ऐसा ही होता है। जब हमारा मन बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है, तब हमें लगता है कि हमारी ये पूरी सृष्टि हमारे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ, ये पूरी सृष्टि हमारे साथ है। और उस सृष्टि की पावर जो है, शक्ति जो है, वो हमें मिलती रहती है। तो हमारा अगला गीत जो है वो बिल्कुल इसी तरह का है, इसी मूड के ऊपर है। रात का माहौल है जिसमें ये पिक्चराइजेशन किया गया है, और दो प्यार करने वाले जो है वो इस गीत को गा रहे हैं, पूरी सृष्टि की अनुकूलता उनके साथ है। ये प्यार करने वाले लोगों की भी एक अलग ही दुनिया होती है, मालूम नहीं क्यों, लेकिन अलग ही दुनिया होती है। और चांद का जिक्र हम लोगों ने अक्सर सुना है हमारे गीतों में, और गीतों में जो चांद का जिक्र होता है वो महबूब की तारीफ करने के लिए होता है, लेकिन हमारे राजेंद्र कृष्ण जी, इन्होंने इस गीत में भी चांद का जिक्र किया है, लेकिन उससे बिल्कुल अलग अंदाज से किया गया है। हम लोग सोच भी नहीं सकते जिस प्रकार इन्होंने इस गीत में चांद का जिक्र किया है।
तो ये रात है और ये रात भी शांत हो चुकी है, और जो चांद है वो हम लोग इश्क कर सके इसलिए अभी खुद बादलों में छुप रहा है। ये नीला आकाश जो है वो भी उसके साथ खड़ा है, हमारे प्यार के साथ खड़ा है। कितनी सुंदर कल्पना है। देखिए, इश्क करने वाले दो लोग हैं, रात का पूरा माहौल है और चांद निकल के आया है और चांद छुप रहा है। चांद क्यों छुप रहा है? कि चांद के उजाले में कहीं हम लोग इश्क ना कर सके, इसलिए चांद भी अब छुप रहा है बादलों में। और ये नीला आकाश जो है वो भी नीचे उतर रहा है, वो भी हमारे साथ है। कितनी सुंदर कल्पना से लिखा गया है इस गीत को। दुनिया में जो प्यार करने वाले लोग होते हैं वो अक्सर अपनी खुद की दुनिया छोड़ के आते हैं, केवल एक उस इंसान के लिए जिससे वो प्यार करते हैं। तो यहाँ पर कवि यही कहते हैं कि हम लोग अपनी दुनिया छोड़ के दूर आ चुके हैं और हमारे मंजिल के करीब भी आ चुके हैं। हमारी चाहत यानी हमारे फूल है और ये फूल के ऊपर कभी धूल ना बैठे, ये फूल कभी डाली से ना टूटे, यानी हमारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आए, कोई दुख ना आए, कोई गम ना आए। एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने वाला ये गीत है और इसे हम लोग यहाँ पेश कर रहे हैं। गुमसुम सा ये जहाँ, ये रात ये समा, बहुत सुंदर गीत है। आप लोग इस गीत का आनंद लीजिए। इसे गा रहे हैं डॉक्टर प्रकाश चौगले और धनश्री देशपांडे। आइए सुनते हैं। देखो वो चांद बदली की ओट में छुपने लगा, ये नील गगन भी प्यार के आगे झुकने लगा। देखो वो चांद बदली की ओट में छुपने लगा, ये नील गगन भी प्यार के आगे झुकने लगा। कितनी हसी कितनी शरीर है चांद की ये अदा, गुमसुम सा ये जहां ये रात ये हवा। पास अब तो हुजूर हम आ ही गए, उल्फत में चोर दुनिया से दूर हम आ ही गए, मंजिल के पास अब तो हुजूर हम आ ही गए। चाहत के फूल देखे न दूर डाली से ना हो जुदा, गुमसुम सा ये जहां ये रात ये हवा, एक साथ आज दो दिल धड़केंगे दिल रुबा, गुमसुम सा ये जहां ये रात ये हवा। थैंक यू सो मच धनाश्री जी और डॉक्टर प्रकाश जी, क्या समा बांधा। मन था
बस सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। कैसे कैसे गाने लिखे हैं हमारे राजेंद्र कृष्ण जी ने, कितनी खूबसूरती से लिखे हैं। ऐसे ऐसे गाने हैं, बस मन होता है उसको गाते जाओ, सुनते जाओ। अगला गाना भी ऐसा ही है। ला 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 ला, पहचाना? जी हाँ, ये है फिल्म अनारकली। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। तो इसका म्यूजिक दिया था सी रामचंद्र जी ने, और इसको गाने आ रही है हमारी ही जूनियर कलाकार। बहुत सुंदर गाती है वह भी, उसका नाम है साम्या तिवारी, मध्य प्रदेश के एक विदिशा शहर से। प्लीज वेलकम हर। Thank you.
थैंक यू साम्या, आपने बहुत उम्दा गाया है। आइए हम लोग अगला गीत सुनते हैं। हमारा अगला गीत देशभक्ति गीत है, राजेंद्र कृष्ण इन्होंने लिखा हुआ है। ये देशभक्ति गीत हमारे देश का वर्णन करता है। मेरा ऐसा मानना है कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो इतनी विविधताओं से परिपूर्ण होकर भी एक है। हाँ, हमारे देश में क्या नहीं है, सब कुछ हमारे देश में है। नदी है, समंदर है, पर्वत है, पहाड़ है। हमारे देश में ऋषि मुनियों की परंपरा है। हमारे देश में अलग अलग त्यौहार है। हमारे देश में अलग अलग खान पान है, वेशभूषाएं अलग अलग है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, और हमारे यहाँ का संगीत अलग है, हमारे यहाँ का खगोल शास्त्र अलग है, हमारे यहाँ का आयुर्वेद विज्ञान अलग है। बहुत सारी खूबियों से बना हुआ है हमारा भारत, और उसके ऊपर हमारे यहाँ के संस्कार है, हमारी यहाँ की सभ्यताएँ है, हमारे यहाँ की परंपराएं है, और हमारी विरासत है। तो इन सब के कारण हमें भारतीय होने का गर्व होता है, फक्र होता है। तो इस गीत को मैं केवल एक देशभक्ति गीत ना कह के मैं इसे एक भारत का गौरव गीत कहना चाहता हूँ, जिसमें भारत की सभ्यता संस्कृति का वर्णन किया गया है। भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। और अन्य देशों में आप अगर देखोगे तो वहाँ पर इतनी सारी विविधताएं नहीं हैं जितनी हमारे देश में हैं, और हमारा देश फिर भी एक संघ है, एक है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में सोने की कई खाने हुआ करती थी। ये केवल एक देशभक्ति गीत ना कह के ये भारत की एक गौरव गाथा का गीत है। हमारे संस्कृति में गुरुओं का स्थान सबसे बड़ा होता है। माँ बाप से भी ऊंचे हम लोग गुरुओं को मानते हैं। हमारे संतों ने हमें सिखाया है कि अगर भगवान और गुरु दोनों अगर आपके सामने खड़े हो जाए तो किन के चरण पहले पड़ना चाहिए। जी हाँ, गुरुओं के। भगवान को समझने की जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो हमें हमारे गुरुओं से ही मिलता है। इसी कारण सबसे पहले हमारे गुरुओं को नमन करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। अगर हमारे गुरु हमें वो ज्ञान नहीं प्रदान करते तो हम लोग उस भगवान को समझ ही नहीं पाते। इस गीत में भी गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी सबसे पहले हमारे गुरुओं को वंदन करते हैं, जो कि हमारी संस्कृति है, और इसी हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति के आधार पर इस गीत को लिखा गया है। गुरुओं को नमन किया गया है और भारत का एक ऐसा वर्णन किया गया है जिससे हम सब भारतीयों का सीना चौड़ा होता है, हमें हमारे भारतीय होने पर फक्र होता है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। इस गीत को गा रहे हैं उत्तम सोनोने डोंबिवली से है और सीनियर सिटीज़न है, बहुत अच्छा गाते हैं। तो चलिए हम लोग उत्तम जी से इस गाने को सुनते हैं। तस्मै श्री गुरुवे
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले तेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए, ए अमृत पिलवाए, कहिए फल और फूलों गाए, केसर कहीं बिखेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय,
डाले, कोई न ताला डाले, और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, उत्तम जी, बहुत ही सुंदर गाया आपने। सिर्फ पेट्रियोटिक ही नहीं, राजेंद्र किशन जी इनके गीतों में पेन, प्रेयर्स, कॉमिक और कैची टच भी आसानी से मिल जाता है। वे किसी भी मूड पर चंद ही मिनटों में गाना लिख लेते थे। अगला गाना पेश करने आ रही है निर्मला प्रभु जी, जो फ्लोरिडा अमेरिका से है। फिल्म का नाम है संजोग और गीत के बोल है वो भूली दास्तां, जिसमें नॉस्टैल्जिक मूड के साथ दर्द भी है और वो हम सब कभी ना कभी अक्सर महसूस करते हैं। जाने से क्यों मिलकर नजर शर्मा गई, ओ
निर्मला जी, क्या सुंदर गाया आपने। जब अपना प्यारा बार बार मनाने पर भी ना माने, ऐसे दिखाए जैसे उसको कोई परवाह ही नहीं है, तो मुंह से निकल ही जाता है कोई कदर नहीं है मेरी। तो इसी भाव को लेकर आ रही है मुंबई से वर्षा पेडणेकर। फिल्म का नाम है भाई भाई और संगीत से सजाया है मदन मोहन जी ने। कदरे जाने ना मोरा बालम बेदर्दी जी, मोरा बालम बेदर्दी। कदरे जाने ना ओ कदरे जाने ना मोरा बालम बेदर्दी जी, मोरा बालम बेदर्दी। कदरे जाने ना ओ कदरे जाने ना। जतन करो बात न माने जी, बात न माने मेरा दर्द न जाने। कदरे जाने ना ओ कदरे जाने ना मोरा बालम बेदर्दी जी, मोरा बालम बेदर्दी। कदरे जाने ना ओ कदरे जाने ना। समझना
समझ ना आए कैसे पी को मनाऊं मैं, कह दे तो चीर के दिल भी दिखाऊं मैं। कदर जाने ना हो कदर जाने ना, मोरा बालम बेदर्दी जी मोरा बालम बेदर्दी। कदर जाने ना हो कदर जाने ना। मेरे सभी संगीत मित्र, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है। मैं थोड़ा बहुत हम लोगों ने इस कार्यक्रम का कैसे प्लान किया उसके बारे में आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। हर इंसान अलग अलग जगह पर बैठा है, कुछ लोग भारत में हैं, कुछ लोग भारत के बाहर हैं, बहुत सारे लोग बच्चे हैं, बहुत सारे लोग सीनियर सिटीज़न हैं। और तो इस कार्यक्रम की जब नींव रखी गई, सोचा गया कि हम लोग एक कार्यक्रम ऐसा करते हैं, तो सबसे पहली कठिनाई ये हुई कि कौन से गीतों का कार्यक्रम करें। टॉपिक तो हमारा ये फाइनल हो गया था कि राजेंद्र किशन, इनके गीतों का कार्यक्रम करना है, लेकिन उनसे उनके कौन से गीतों को हम लोग चुने ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। सभी गीत अच्छे हैं, तो इस समस्या को हम लोगों ने पार किया। दूसरी समस्या थी कि लोगों से उनका गाना कैसे बुलाए, उनका गाना कैसे रिकॉर्ड करे, क्या करे, क्या तकनीक यूज़ करे। तो आप लोगों ने देखा होगा जितने भी लोग यहाँ पर गा रहे हैं उनमें से बहुत कम लोगों के पास खुद का माइक्रोफोन है। कुछ लोगों ने तो जो ईयरफोन आते हैं मोबाइल के उसके ऊपर ये गीत गाया है। जैसा कि अभी हम लोगों ने जो गीत सुना है वो उत्तम जी ने गाया है, उस गीत को उन्होंने हेडफोन जो मोबाइल के साथ आता है हेडफोन, उस हेडफोन के ऊपर गाया है। आप यकीन नहीं करोगे ये उसी हेडफोन के ऊपर गाया हुआ गीत है। लेकिन आपको सुनाई कैसे आ रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको इस गीत को कैसे सुनाई आ रहा है। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, घंटों की एडिटिंग और ये सब तकनीकी आदान प्रदान इधर से उधर और सब एडिटिंग जोड़ा जोड़ी के बाद में ये प्रोग्राम कहीं बना है, रेडी हुआ है। बहुत मेहनत की है तब जाके ये कार्यक्रम आगे बढ़ा है। मैं आपके साथ ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसके पीछे की जो हिस्ट्री है, जो कहानी है, तो उसको आप अगर समझोगे तो इन गीतों का आपको आनंद और आएगा और मज़ा आएगा। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो टेक्निकली इतने अवेयर नहीं होते, उनको इतनी टेक्नोलॉजी पता नहीं होती, तो उनसे हम लोगों ने गवाया है टेक्नोलॉजी के सहायता से गीत को भेजना इधर यहाँ पे स्टूडियो में, उसका एडिटिंग करना, ये बहुत सारी उसमें बातें इन्वॉल्व है। तो इन सभी लोगों ने हमें सहायता की है और मैं उन सभी हमारे अकादमी के सभी जो छात्र है जो हमसे जुड़े हुए हैं, छात्र तो मैं हम कह नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत उम्र में सब लोग बड़े हैं, लेकिन वो सीख रहे हैं हमारे अकादमी, इसलिए मैं छात्र ही शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी, उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ क्योंकि हमें उन्होंने हमें सहायता की, अपने गीत हमें भेजे और हम लोग एक कार्यक्रम की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस गीत को, इस पूरे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। अब हमारे अंतिम दो गीत बचे हैं और अगला गीत जो है हमारा वो फिल्म संजोग से है। फिर से एक बार राजेंद्र किशन जी का ये गीत है, मदन मोहन जी का संगीत है और इसे मुकेश जी ने गाया है, राग यमन कल्याण में ये गीत है। और ये गीत जो है ये बहुत बड़ा दर्द भरा गीत है, ये कहने की ज़रूरत नहीं मुकेश जी का गीत है इसका मतलब दर्द भरा होगा ही, लेकिन ये मुकेश जी का एक बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त दर्द भरा गीत है। और ये गीत जो है पूरा इसकी जो सिचुएशन है वो यादों के ऊपर है, यादें, ऐसी यादें जो मोहब्बत में हारने के बाद हमें महसूस होती है। एक हमने हारा हुआ मोहब्बत का एक गीत पहले सुना था, ये भी वैसा ही गीत है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में ये यादें जो होती है ये यादें नहीं रहती, ये भूली हुई यादें रहती है। यानी यादें तो है अगर वो ताज़ा है तो, लेकिन कुछ दिनों के बाद में ये यादें भूली हुई यादें हैं और इन भूली हुई यादों के ऊपर ये गीत है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि भूली हुई यादों
अब मेरे जीवन में फिर से मत आना। मैंने जीवन में बहुत दुख झेले है और तुम्हें भूलने का प्रयास भी किया है और अब मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, लेकिन अब मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि अब मेरे जीवन में फिर से मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें पहले से ही भुला गया हूँ। तो ये कह रहा है कभी भूली हुई यादों को, अब मेरे जीवन में आकर तुम मुझे और परेशान मत करना। देखिए कितनी सुंदर कल्पना है। दर्द भरे गीत को लिखना बहुत कठिन होता है, इतना आसान नहीं है ये। और अब मैं, कवि यह कहता है कि अब मैं ख्वाबों के सहारे नहीं जीना चाहता हूँ। पहले मैं बहुत ख्वाबों के सहारे जीता था, लेकिन अब मैं एक प्रैक्टिकल लाइफ जीना चाहता हूँ जिसमें मैं ये समझ सकूँ कि सच्चाई क्या है। आप जैसे जैसे इस गीत को आगे सुनोगे, आपको यकीनन इस भाव की, आपकी यकीनन ये भाव आपके मन में आएगा कि यहाँ पर कवि कहता है कि मैं तो दीवाना हूँ ही पहले से, तुम्हारा दीवाना मैं था, लेकिन मुझे और तो दीवाना मत बनाओ, इन यादों को कहता है वो। और इसके दूसरे अंतरे में तो इन्होंने कमाल कर दिया है, बहुत ही लाजवाब लिखा है राजेंद्र किशन जी ने। वो कहते हैं कि तुमने मुझे पहले ही एक ऐसे दो राहे पे आके खड़ा कर दिया है जहां मैं कौन सी राह पकड़ूं, इस राह जाऊं या उस राह जाऊं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब आवाज़ देके मुझे कोई तीसरी राह मत दिखा देना, मुझे और कंफ्यूज मत कर देना। और अगली दो पंक्तियों में उन्होंने इतनी ज़बरदस्त शायरी लिखी है, उन्होंने कहा है कि मैं कई बार गिरा हूँ, गिर गिर के संभला हूँ। सिर्फ गिरा नहीं हूँ, उन्होंने कहा कि मैं गिर गिर के संभला भी हूँ, लेकिन अब मुझे और मत गिराओ। बहुत बड़ा दर्द भरा गीत है। इस गीत के लिए मुकेश जी को अवार्ड्स भी मिला था और मुकेश जी ने पूरी ताकत से इसे गाया है। एक शेर मुझे याद आता है इस गीत के ऊपर कि सिर्फ कलम ही ज़रूरी नहीं गज़ल के लिए है, जिगर का लहू भी चाहिए असर के लिए। मुझे लगता है कवि राजेंद्र किशन जी ने अपने जिगर के खून से इस गीत को ज़रूर लिखा है, तभी जाके ये दर्द इस गीत में आया है और ये दर्द मुकेश जी की आवाज़ में आया है। यहाँ पर इस गीत को हमारे अकादमी की सरबजीत कौर, जो कि सिंगापुर से है, वो इन्हें पेश कर रही है। तो आइए हम इस गीत में छिपे दर्द को महसूस करते हैं। श्री राजेंद्र कृष्ण जी एक पोएट और लिरिसिस्ट नहीं थे, उन्होंने बहुत सी हिंदी फिल्मों के लिए डायलॉग्स भी लिखे हैं। अपनी फिल्म इंडस्ट्री के सभी महान गायकों ने उनके गानों को निभाया है, गाया है और हम तक पहुंचाया है। तो आज मैं मुकेश जी का एक गाना गाने जा रही हूँ जो श्री राजेंद्र किशन जी ने लिखा था फिल्म आशिक के लिए। भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, और मैं ट्रैक यूज़ कर रही हूँ विपिन मल्होत्रा जी का। तो सुने से रहे
वाह सरबजीत जी, बहुत ही बढ़िया गाया है आपने। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, इनके गीतों में कई सारी विशेषताएं हैं। मेरी एक छोटी सी बुद्धि है जिसको मैंने समझने का प्रयास किया है। मैंने जो गीतों में देखा है इनके, वो एक तो सहजता है, सरलता है, शुद्ध हिंदी का प्रयोग है, कम से कम उर्दू शब्दों का प्रयोग है। इससे गीत अधिक सरल होते हैं, याद आसानी से रहते हैं, छोटे बच्चे भी इसे गुनगुना लेते हैं आराम से। दूसरी एक विशेषता है जो मैंने इनके गीतों में देखी है, जो कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, वो शब्दों को वो इतनी ऊंचाई पर जाकर रखते हैं जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई साधारण से कवि को उसके ऊपर लिखना संभव होगा। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, शब्दों को वो इतने ऊंचाई पर जाके रखते हैं। तीसरी विशेषता मुझे ऐसी लगती है कि इनके जो गीत है वो मानो हमसे कोई बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हर गीत में एक संवाद छुपा हुआ है, हर गीत में कुछ बातें छुपी हुई है। दो लोग डुएट सॉन्ग में तो हम लोग समझ सकते हैं कि डुएट में दो चर्चाएं हो रही है, दो लोग चर्चा कर रहे हैं इस प्रकार से गीत, लेकिन इनके सोलो सॉन्ग भी आप सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि मानो वो आपसे बात कर रहे हैं, मानो वो आपकी अपनी दुनिया ही आपके सामने रख रहे हैं। हम लोग हमारे कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हैं, अंतिम गीत की प्रस्तुति होने जा रही है। इस गीत के बारे में मैं क्या कहूँ, हर मूड राजेंद्र किशन जी के गीतों में पाया जाता है। ये बहुत ही एक, जिसे हम लोग कह सकते हैं, कैची मूड है। और यह है फिल्म पड़ोसन से, आर डी बर्मन जी का संगीत और लता और आशा जी के स्वर। इस गीत में जो नायिका है, पर्दे पर जो नायिका है, वो कह रही कि मैं अब इश्क करना चाहती हूँ। शायद उसे इश्क हो भी गया है और वो इश्क की राह पर चलना चाहती है। तो जब भी कोई लड़की प्यार मोहब्बत की बातें करती है, किसी लड़के से प्यार करने लगती है, तो सबसे पहले अपनी सहेली को ये सारी चीज़ें बताती है। जो नायिका है और जो उनकी सहेलियाँ है, तो उन सहेलियाँ और नायिका के बीच के संवाद के ऊपर ये गीत है। जो हीरोइन है वो साइकिल पे है, उनकी सहेलियाँ भी साइकिल पे है, सभी सहेलियाँ, और साइकिल पे चलते हुए ये पूरा सॉन्ग है। वो कह रही है कि मैं अब इश्क तो करना चाहती हूँ, कन्फर्म मेरा डिसीजन पक्का हो चुका है। और उसकी सहेलियों का, देखिए सहेलियों का अक्सर काम होता है सलाह देना, कभी कभी उल्टी सलाह भी देती है, कभी की सलाह भी देती है, लेकिन सलाह देना ये सहेलियों का काम होता है। तो उसकी सहेलियाँ कहती है कि संभल कर कहीं कोई तुम्हें दगाना दे दे, और वो भी बड़े प्यार से कह रही है। ये कह रही है कि मैं अब इश्क करना चाहती हूँ, और सहेलियाँ कह रही है कि देखना संभल कर उस प्यार के राहों पे मत चलना, तुम्हें ज़रूर कोई दगा देने वाला मिल जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये कहती है हीरोइन जो है, वो कहती है कि ये समा कितना सुंदर है, और ये फिज़ा कितनी अच्छी है, ये हवा कितनी अच्छी है, ये प्रकृति कितनी अच्छी है, मैं अब प्यार नहीं करूँगी तो फिर कब करूँगी। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी कोई इंसान प्यार मोहब्बत में, प्यार मोहब्बत के काम आ जाता है, कहीं उसे बीमारी चढ़ जाती है मोहब्बत की, तब उसे सबसे पहले ये प्रकृति पसंद आने लगती है। तो यहाँ पर कवि ने यही कहा है कि ये फिज़ा, ये हवा, ये कितनी सुंदर है, प्रकृति का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट आ गया है। और बहुत ही सुंदर शब्दों में इन्होंने लिखा है कि ये पूरी प्रकृति इतनी सुंदर है, तो मैं अब प्यार नहीं करूँ तो फिर कब करूँ। आइए चलिए इस गीत को हम लोग हमारी अकादमी की मुख्य शिक्षिका धनश्री जी इनसे सुनते हैं। ये बहुत ही कैची सॉन्ग है और आपको सुनते सुनते बहुत बड़ा मज़ा आएगा, आप एंजॉय करोगे। तो लता जी और आशा जी ने इसे गाया है दोनों ने मिलके, यहाँ पर दोनों जो है वो धनश्री अकेली गा रही है। तो स्वागत है धनश्री जी का। मैं शशांक देशपांडे आप सभी से विदा लेता हूँ। खुश रहिए, आबाद रहिए, स्वस्थ रहिए,
हंसते रहिए, अच्छा संगीत सुनते रहिए। धन्यवाद। दीजिए तो आ रहा है एक मस्त बिंदास और खूबसूरत गीत। हम बात कर रहे थे ना कैची सॉन्ग्स की, ये वही है। हमारे राजेंद्र किशन जी का एक मस्ती भरा गीत लेकर मैं खुद आ रही हूँ। फिल्म का नाम है पड़ोसन और उसे संगीत से सजाया है आरडी बर्मन जी ने। गीत के बोल है मैं चली मैं चली।
मैं चली, देखो